2 करोड़ रोजगार देने चले, उसका क्या हुआ? यहाँ तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का जो है लगभग 3-4 ही डिपार्टमेंट से तय हो गया। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले, वो तो एकाध मार करके देखे। और मतलब क्या कोई भी आदमी है, डॉक्टर भी आता है, तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा। और जो 10 लाख नौकरियों की बात कहे थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है। और कोर्ट का मामला है तो हम लोग कोर्ट में ही जवाब देते हैं। और जहां तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीजों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग लालू जी को दवा चल रही है। बीजेपी जो तेजस्वी जी, सीबीआई ने दलील दी है कि लालू प्रसाद जमानत पर विकास नहीं करती है, लेकिन आप लगातार अभी देखिए बिहार में विकास की बात आप लगातार कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि विकास नहीं किया 17 सालों में, आगे भी आप सिर्फ नाम करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो तेजस्वी जी, ऐसे बीजेपी को आप क्या कहेंगे? कहता बिहार में विकास ही नहीं हो रहा है। भूल गए हैं कि केंद्र में सरकार जो है वो एनडीए की है, बीजेपी की है, और 2 करोड़ रोजगार देने चले, उसका क्या हुआ? यहाँ तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का जो है लगभग 3-4 ही डिपार्टमेंट से तय हो गया। और 1,75,000 जो देश भर में किसी भी राज्य से ज्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई, बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो। और जो 10 लाख नौकरियों की बात कहे थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चलेंगे, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में, ये भाजपा के राज्य में सर मुझे क्या स्थिति हो गई है। तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा। सर मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ सर, जो मुस्लिम बच्चे के साथ जो हुआ सर, देखिए देखिए, अरे भाई आप एक बात समझ जाइए कि ये सारा कोर्ट का मामला है, और कोर्ट का मामला है तो हम लोग कोर्ट में ही जवाब देते हैं। और जहां तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीजों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग लालू जी को दवा चल रहा है, और सुन तो लो ना भाई, लाइफ लॉन्ग चल रहा है। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले, वो तो एकाध मार करके देखे। और मतलब क्या कोई भी आदमी है, डॉक्टर भी आता है, तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा। और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब ये कोई गलत काम है क्या? कोई परहेज है क्या? खाना उठना बैठना मिलना जुलना, मीटिंग क्यों नहीं कर सकते भाई? करता ही है लोग। सर मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ, महिला जो शिक्षिका ने किया,